হাউরফিক্স, কর্ণাটকা ব্যাঙ্ক, এম পাসবুক অ্যাপ নট রেসপন্ডিং অ্যান্ড ব্ল্যাক স্ক্রিন প্রবলেম। নমস্কার দোস্তো, স্বাগত আপ সবি কা তিকরাজ ইউটিউব চ্যানেল পর। তো দোস্তো, আজ কে ইস ভিডিও পর মে আপকো বাতাউঙ্গা কি কেসে আপ জো হে কর্ণাটকা ব্যাঙ্ক এম পাসবুক অ্যাপ কা ইয়ে প্রবলেম সলভ কেসে কর সকতে হ্যায়। দোস্তো, আগর আপকো ইস অ্যাপ কে অন্দর পে কোই ভি ইস তরিকে কা প্রবলেম আ জাতে তো ভিডিও কো পুরা और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब भी इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हमारे ऐप के साथ में होते हैं तो हमारा ऐप जो है बिल्कुल काम नहीं करते और उसी के साथ मोबाइल को भी लैग करवा देते हैं। ठीक है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्या सॉल्यूशन करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। कम से कम मैं आपको इस वीडियो पर 4 या फिर 5 सॉल्यूशन बताऊँगा जिसके मदद से आप कंप्लीट तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभार क्या हो जाते हैं, बग का इशू होते हैं, ऐप डेटा करप्टेड प्रॉब्लम भी होते हैं, ऐप डेटा क्रश कभी इशू होते हैं, तो वो सब कुछ फिक्स करना होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट वगैरह मिलते रहे। दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी इशू आ जाते हैं आपके कर्नाटका बैंक एम पासबुक ऐप के अंदर पे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करके एक बार ऐप को ओपन करके चेक करके देखिए, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है, कभी कभार काम कर जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप क्यों ना ट्राई करके देखिए रिस्टार्ट का सॉल्यूशन भी, अगर रिस्टार्ट से काम बन जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए, KBL एम पासबुक सर्च कीजिए, यानी कि कर्नाटका बैंक एम पासबुक सर्च कीजिए, उसके बाद ऐप को अपडेट कीजिए। दोस्तों, ऐप अपडेट करने से आपको ऐप का लेटेस्ट फ्यूचर के साथ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जैसे कि अगर आपका ऐप डेटा में बग है, ऐप डेटा क्रश हो रहा है या फिर ऐप डेटा करप्टेड प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ प्रॉब्लम अपडेट से फिक्स होगा। अगर आपका ऐप मिसबिहेव कर रहा है तो वो प्रॉब्लम भी अपडेट से फिक्स होगा। ठीक है, मेक श्योर ऐप को अपडेट करें। ऐप अपडेट करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है और ऐप को ओपन करके लैंग्वेज वगैरह चूज़ करके चेक करके देखना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आपका अपडेट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पाते तो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन फॉलो करना है, लेकिन किसी किसी का जो प्रॉब्लम रहते हैं वो अपडेट से फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अपडेट से फिक्स हो जाते हैं, तो आप इसीलिए अपडेट करके देखिए, अगर फिक्स हो जाते हैं ठीक है, अगर नहीं होते तो सेटिंग पर जाके एप्स एंड नोटिफिकेशन को ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको ऐप एंड नोटिफिकेशन मैनेज ऐप, इंस्टॉल ऐप, ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर, ऐप्स, ये करके ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको जाना है आपका KBL एम पासबुक ऐप, यानी कि कर्नाटका बैंक, उसके बाद फोर स्टॉप कर दीजिए, ओके कर दीजिए, स्टोरेज इन कैश जाइए, क्लियर स्टोरेज ओके कर दीजिए, उसके बाद बैक कीजिए एंड देन कुछ परमिशन से अलाउ कर दीजिए। ठीक है, तो परमिशंस वगैरह अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक करना है और इसका मोबाइल डेटा का जो एक्सेस है वो भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मोबाइल डेटा अगर एक्सेस नहीं रहेगा ऐप में तो ऐप आपका चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो करके देखिए, उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद ऐप को ओपन कीजिए, चलाइए, देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। कई लोगों का जो प्रॉब्लम है वो इतना सॉल्यूशन के बाद फिक्स हो जाते हैं, तो अगर आपका भी फिक्स हो जाता है तो ठीक है। अगर मान लीजिए बाय एनी चांस इतना सॉल्यूशन करने के बाद भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हुआ है तो फिर क्या करना है, तो दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में, ऐप को कर देना है अनइंस्टॉल और जाना है सेटिंग, स्क्रॉल डाउन करके सिस्टम को ओपन करना है और सिस्टम अपडेट कर देना है। सिस्टम अपडेट करने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर एंड देन ऐप को रीइंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये रीइंस्टॉलेशन प्रोसेस है, इसको फॉलो कर लीजिएगा और चेक करके देखिए दोस्तों, आपका प्रॉब्लम कम्प्लीटली फिक्स हो चुका होगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप जो है यहाँ पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।